आत्मा नमस्ते एवरीवन, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस बार बहुत सारा ये चल रहा है संशय कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या 1 नवंबर को दिवाली मनाएं, तो मैं तो ये कहूंगी कि दोनों दिन दिवाली मनाइए, मोर द मेरियर। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा कहा गया है कि जब कोई चीज़ की बढ़त होती है तो वो एक अच्छी बात है। 31 अक्टूबर को भी मनाइए, 1 नवंबर को भी मनाइए। अगर आप सिर्फ एक ही दिन करना चाहते हैं तो वो 31 अक्टूबर है। इसका रीज़न यह है कि दिवाली का महत्व है अमावस्या की तिथि को मनाने का, और उस पर भी अमावस्या की रात्रि, उस पर भी जो स्थिर लगन होते हैं उसमें जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला है, जब हम स्थिर लगन में उनकी पूजा करते हैं तो वो हमारे घर में स्थिर रहती है। इसको देखते हुए दो लगन है जो स्थिर होते हैं, एक है वृषभ और एक है सिंह लगन, और ये दोनों लगन 31 अक्टूबर को ही शाम को आएंगे जब अमावस्या है। जब 1 नवंबर को ये लगन आते हैं तो अमावस्या तिथि 1 नवंबर को 6:23 पे समाप्त हो जाती है। इसी वजह से देर आर ऐसा दो चीज़ें हैं। एक हमारे सनातन धर्म में कहते हैं उदय तिथि पे मनाना, उदया तिथि में मनाना। एक होता है तिथि क्या है। उदय तिथि में हम एकादशी का करते हैं, पूर्णिमा का करते हैं, बट जब हम दिवाली पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो महत्व है अमावस्या की रात्रि, वो भी क्यों, इन लगन की वजह से। ये तो हो गया कि 31 अक्टूबर को आप दिवाली मनाइए। अब मुहूर्त कौन से लें, तो सबसे पहला मुहूर्त है 6:23 से लेके 8:19, ओके। ये मुहूर्त है, वृषभ लगन भी इसमें आ रहा है, प्लस प्रदोष काल। प्रदोष काल वो काल होता है जिसमें कोई तरह का दोष ना लगे। समटाइम्स हमारे से भूल चूक हो जाती है पूजा पाठ में, कुछ भी ऐसा हो जाए। मेरे हिसाब से 7:15 आप अपना पूजन स्टार्ट कर लीजिए, ताकि फिर वो चलने दीजिए। स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये तो हो गया एक मुहूर्त जो कि वृषभ लगन है या प्रदोष काल, दोनों इसी टाइम में आ जाएंगे मोटा मोटी, ठीक है। देन अपना है नेक्स्ट लगन है सिंह लगन, जो रात को 12:34 12:30 से लेके 3:15 तक है। उस समय सिंह लगन में यूजुअली व्यापारी लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि उनका व्यापार अच्छा रहे। गृहस्थ लोग वृषभ लगन में करते हैं क्योंकि वृषभ राशि भी शुक्र की राशि है और प्रेम की राशि है। हम वृषभ लगन में गृहस्थ लोग करेंगे, और सिंह लगन में जिनका जो व्यापारी लोग हैं, जिनका व्यापार है, वो उस समय करें, ठीक है। ये बात हो गई मुहूर्त की। अब आता है, कई छोटे छोटे यंग गर्ल्स ने मुझे मैसेज किया है कि हमें सिखाएं पूजा कैसे करनी है। एक मेरे फादर एक चीज़ कहते हैं कि भाव से कुछ भी करेंगे, भाव से जैसे भी आप पूजा करेंगे, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। ये पहली बात। फिर मैं आपको विधि बता रही हूँ, बट बाय द वे कुछ चीज़ें आपको ना मिले, बड़े शहरों में रहते हैं। वैसे तो थैंक्स टू स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, हर चीज़ आपके डोर स्टेप पर आती है, बट फिर भी कई चीज़ें नहीं मिलती है, तो कुछ भी आप दुखी नहीं होइए, क्योंकि भगवान तो आपकी फीलिंग्स, आपके मन के भाव को देखेंगे, ओके। ये एक बात। दूसरी बात मेरे गुरु ने सिखाई है, वो ये है लास्ट में क्षमा याचना कर लें। हमारे सनातन धर्म में भी लिखी हुई है, पर उतना मुझे पहले नहीं थी परफेक्शन इस बात का। अब हर रोज़ एवरी डे जब भी हम पूजन करते हैं उसके बाद एक क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि भाई जो भी हमसे भूल चूक हुई है।